क्लास आज का जो लेक्चर है वो है द नाइट का। हम लोग यहाँ से इसका टेक्स्ट पढ़ने लगे हैं। इससे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन का टेक्स्ट पढ़ चुके हैं और इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। अब चौसर एक्सप्लेन करने लगा है पहले पिलग्रिमेज को जो उसके साथ जाने लगे हैं कैंटरबरी। जो है सब मिलके 29 पिलग्रिमेज में जो सबसे पहला है वो नाइट है, और चौसर के मुताबिक इसकी वर्थ और इसकी इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। इसकी सबसे एक वजह ये भी हो सकती है कि चौसर ख़ुद अपनी अर्ली लाइफ के अंदर सोल्जर था और डिफरेंट एक्सपेडिशन पे जाता रहा, तो उसके लिए शायद नाइट की वही वर्थ है जो अपने आप मतलब आइडियलाइज़ कर सकता है, आइडियलाइज़ करता था वो इस करेक्टर को। देन सेकेंड थिंग इज़ दैट मिडिवल एज के अंदर नाइट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, तो इसके अंदर इसने जो नाइट की सारी क्वालिटीज़ बताई हैं वो बहुत ज़्यादा आइडियल हैं। इसका टेक्स्ट का रीड करते हैं। द नाइट देयर वॉज इन द वन अ वर्दी मैन हु फ्रॉम द टाइम दैट ही फर्स्ट बिगन टू राइड आउट ही लव्ड शिवलरी फिडिलिटी गुड रेपुटेशन जेनरॉसिटी एंड कर्टसी। अब ये उसने सबसे पहले ही लाइंस के अंदर बता दिया है कि वो बहुत वर्दी मैन है, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और पहले दिन से ही उसको शिवलरी बहादुरी पसंद थी, गुड रेपुटेशन पसंद है, जनरॉसिटी लोगों के साथ वो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता है, और कर्टसी मेहमान नवाजी और मैनर्स सब चीज़ें इस नाइट के अंदर हैं। ही वॉज वेरी वर्दी इन हिज लॉर्ड्स वॉर फॉर दैट ही हैड रिडन नो मैन फर्दर एज वेल एज इन क्रिस्टडम एज इन द हीदन लैंड्स। अब वो क्या कह रहा है कि उसने खुदा के लिए जो जंगें लड़ी मतलब क्रिश्चियनिटी के लिए या लॉर्ड के नाम पे जो जंगें लगी उसके अंदर उसने किसी भी टाइम हिचकिचाया नहीं है, वो कहीं पे भी हो क्रिश्चियन लैंड्स पे हो या जो नॉन बिलीवर्स की ज़मीनों पर लड़ाई हुई है उनमें भी वो किसी में भी नहीं डरा और सब के अंदर उसने पार्टिसिपेट किया है और जंगों के अंदर पूरी अपनी जज्बे के साथ उसने फाइट की। अब इस नाइट की जो एक्सपेंडिचर थे जहाँ जहाँ वो गया जहाँ जहाँ उसने फतुहात की उन सब की डिटेल्स वो वन बाय वन बताने लगा है। ही वॉज़ एट अलेक्जेंड्रिया व्हेन इट वॉज़ वॉन। ठीक है, जो जगह है अलेक्जेंड्रिया वहाँ पे भी नाइट था जब वो उसको जीता गया। अब इंटरेस्टिंगली चौसर भी वहाँ पर था। ही हैड सेट वेरी मैनी टाइम्स इन द प्लेस ऑफ ऑनर्स अबव नाइट ऑफ ऑल नेशन इन रूसा। अब यहाँ पे एक और जगह का नाम बताया है कि वो वहाँ पे भी बहुत ऑनरेबल था और सब इम्पोर्टेंट नाइट्स के साथ उसको बिठाया जाता था। ही हैड कम्पेन इन लुथियाना एंड रशा। नो क्रिश्चियन मैन ऑफ हिज रैंक वाज सो ऑफन आल्सो ही हैड बीन इन ग्रेडेंडा एट द साइट। ठीक है, अब उसने और जगह बताई हैं कि जब वो वहाँ पर उसने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे सेट जब हुई तो तब वो भी वहाँ पर भी था। नेक्स्ट लाइन के अंदर उसने बताया ऑफ एलेगेंसरा एंड रिडन टू मोरक्को ही वॉज एट एशा एट एटलांटिया एंड वेन देवर वॉन इन द मेडिटेरेनियन ही हैड बीन एट मैनी अ नोबल एक्सपेडिशन। अब यहाँ से पता चल रहा है कि कितनी कंट्रीज़ का और कितनी प्लेसेस का नाम बताया है और वहाँ पे नाइट प्रेजेंट था और वहाँ के सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के अंदर भी इस नाइट ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट लाइन है 60 वाली। ही हैड बीन एट मैनी अ नोबल एक्सपीडिशन ही हैड बीन एट 15 मॉरल बैटल्स। लाइक उसने सब नोबल एक्सपीडिशन जहाँ जहाँ भी इम्पोर्टेंट काम हुए हैं ऑनरेबल काम हो रहे थे वहाँ पे नाइट की पार्टिसिपेशन थी एंड अदर देन दैट उसने क्या किया है कम से कम वो 15 बैटल्स के अंदर उसने पार्टिसिपेट किया है। And fought for our faith at Tlemcen, three times in formal duel and each time slaying his foe. अब क्या हुआ, तीन टाइम उसने फॉर्मल डुअल्स के अंदर लाइक जैसे कहते हैं वन ऑन वन प्लेयर्स ने आपस में फाइट किया तो उसके अंदर उसने पार्टिसिपेट किया और ईच टाइम हर दफ़ा उसने अपने दुश्मन को मार गिराया। This same worthy knight had also been at one time with the Lord of Balat
अब क्या है कि वो एक दफ़ा लॉर्ड ऑफ पैलेट के साथ भी था अगेंस्ट एन अदर ही इन तुर्की, तुर्की में भी था और वहाँ पे भी उसने लाइक पार्टिसिपेट किया इवेंट्स में, एंड मोर ओवर ही हैड एन आउटस्टैंडिंग रेपुटेशन। और इन सब चीज़ों के बावजूद, इतनी ज़्यादा जगहों पर जाने के बावजूद और काम करने के बावजूद, उसकी एक आउटस्टैंडिंग रेपुटेशन थी, लोग उसको रिस्पेक्ट करते थे और उसकी लाइक इज्जत करते थे। एंड ऑल्दो ही वॉज ब्रेव एंड ही वॉज प्रूडेंट एंड ऑफ हिज पोर्टमेंट टू अ मीक एज अ मेडन, इन सब चीज़ों के बावजूद वो इतना बहादुर था, लेकिन उसके अंदर मैनर्स और जो शर्म हया थी वो एक लड़की जितनी थी। ही नेवर येट सेड एनी रूड वर्ड, उसने कभी भी किसी के साथ रूड लहजे में बात नहीं की थी। इन ऑल हिज लाइफ ऑन टू एनी सॉर्ट ऑफ पर्सन, और किसी भी बंदे से बुरी तरह से बिहेव नहीं किया था। ही वॉज ट्रूली परफेक्ट नोबल नाइट, और वो उसके बारे में चौसर के क्या वर्ड्स हैं कि वो ट्रूली परफेक्ट नोबल नाइट था। ओके, बट टू टेल यू दिस हिज क्लोथिंग, अब उसकी क्लोथिंग के बारे में आ रहा है, चौसर बताने लगे। His horses were good, but he was not really dressed. उसके horses तो बहुत healthy थे, लेकिन खुद वो बहुत कोई अच्छा तैयार नहीं हुआ हुआ था। He wore a tunic of क्रॉस क्लॉथ, उसने एक नॉर्मल से कपड़े का पहना हुआ था ड्रेस। ऑल स्टेन्ड विद रस्ट बाय हिज कोट ऑफ मेल, अब जैसे लाइक नाइट्स होते हैं तो उन्होंने वो एक लोहे का लिबास पहना हुआ होता है, तो जो उसका नीचे वाला कपड़ा था उसके ऊपर उसके जंग के निशान लगे हुए थे। For he was recently come back from expedition, इससे पता चल रहा था कि वो अभी अभी किसी दौरे से होकर वापस आया। And went to do his pilgrimage, और अब उसको ये ख्याल आया है कि उसको pilgrimage पे जाना चाहिए इन बाकी सब लोगों के साथ। ओके, अब ये जो उनसे ये नाइट का करेक्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये एक उसका आइडियल करेक्टर था। इसको कंपेयर किससे किया जाता है, स्क्वायर से किया जाता है। स्क्वायर कौन है, वो नाइट का ही बेटा है और वो मॉडर्न ब्रेवरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आ रहा है। इसके बारे में अब हम रीड करते हैं और एंड पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। विद हिम देयर वॉज हिज सन अ यंग स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है, उसके बिल्कुल साथ उसका कौन था, बेटा था जो यंग स्क्वायर था। स्क्वायर भी एक मिलिट्री पोस्ट है। अ लवर एंड लाइवर बैचुलर, ठीक है, और मोहब्बत करने वाला था और बहुत ही ज़िंदा दिल किस्म का बैचलर था। विद लॉक्स कर्ल एज इफ हैड बीन लेड इन अ कर्लर, उसके बाल इतने अच्छे कर्ल हुए हुए थे जैसे किसी कर्लर के अंदर रख के उनके बालों को ये शेप दी गई हो। ही वॉज 20 years ऑफ एज आई गेस, अब चौसर अंदाज़ा लगा के बता रहा है कि उसको लगता है कि शायद उसकी एज 20 years की होगी। Of his stature, he was of a moderate height, और उसको अगर देखा जाता है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक मॉडरेट हाइट का है। And wonderfully agiled and a great strength, ठीक है। He had been for a time on Clavier expedition, ठीक है, उसके वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो एक दफ़ा एक्सपेडिशन मतलब जंग वाले एक्सपेडिशन पे भी गया है। अब जहाँ जहाँ उसने ट्रैवल किया हुआ है उसकी कंट्रीज़ को बताना शुरू कर रहे हैं चौसर। इन फ्लेंडर, इन एरोसरस एंड पिकार्डी, एंड कंडक्टेड हिमसेल्फ वेल फॉर अ लिटल अ स्पेस ऑफ टाइम, इतने थोड़े से टाइम के अंदर वो सब कुछ सीख गया था और अपने आप को उसने बहुत अच्छी तरह बहादुर सिपाही जाहिर किया। इन होप टू स्टैंड इन हिज लेडीज गुड ग्रेस, ताकि वो अपनी लेडी जिसको वो पसंद करता है उसकी नज़रों के अंदर अच्छा बन सके। ही वॉज एम्ब्रॉयडेड एज इफ इट वर अ मेड, ऑल फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर वाइट एंड रेड, और उसके कपड़ों के ऊपर क्या हुआ हुआ था, एम्ब्रॉयड्री हुई हुई थी और उसके ऊपर फ्रेश फ्लावर की एम्ब्रॉयड्री हुई थी वाइट और रेड कलर की। सिंगिंग ही वॉज और फ्लूटिंग ऑल डे, और वो सारा दिन या तो गाना गाता था या फ्लूट बजाता था। ही वॉज एज फ्रेश एज इज द मंथ ऑफ मे, और वो इतना फ्रेश था जैसे मे का महीना होता है। हिज गाउन वॉज शॉर्ट विद अ लॉन्ग एंड वाइट स्लीव्स, अब ये उसका बड़ा स्टाइलिश किस्म का ड्रेस है उस ज़माने के लिहाज से, जिसके अंदर उसका गाउन शॉर्ट है, लॉन्ग स्लीव्स हैं और खुली स्लीव्स हैं।
ही वेल न्यू हाउ टू सिट ऑन अ हॉर्स एंड हैंडसमली राइड, और उसको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि घोड़े को किस तरह से चलाते हैं, बल्कि बहुत ही डिसेंट तरीके से कैसे चलाते हैं। ही न्यू हाउ टू मेक सॉन्ग्स एंड वेल कम्पोज, और उसको गाने भी लिखने आते थे और अच्छे राइम स्कीम या अच्छे धुन के साथ वो उनको गानों को बजा सकता था। जस्ट एंड ऑल्सो डांस एंड वेल ड्रॉ एंड राइट, और उसकी और जो क्वालिटीज़ थी कि वो डांस बहुत अच्छा कर लेता था, ड्रॉ भी कर लेता था और लिख भी लेता था। He loved so passionately that at night he slept no more than does a nightingale. अब वो इतना इन सब चीज़ों एक्टिविटीज़ में बिजी था कि वो रात के टाइम नाइटिंगेल से ज़्यादा नहीं सोता था, मतलब बहुत कम सोता था। Courageous he was, humble and willing to serve and crave before his father at table. और वो इन सब क्वालिटीज़ के साथ humble भी था और लोगों की खिदमत करने के लिए, सर्व करने के लिए भी रेडी था, लेकिन जब वो खाने के टेबल पर बैठता था तो उसको मतलब ज़्यादा खाने खाने का शौक था। ओके, यहाँ पे इसको लाइक स्क्वायर को और उसके फादर को करेंगे तो उनकी ड्रेसिंग सेंस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक वो यंग बच्चा है, स्क्वायर है 20 इयर्स का है, तो उसके मल्टी कलर और एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े हैं, जबकि जो नाइट है उसके सिंपल ड्रेस है और वो थोड़ा सा ख़राब भी हैं तो उसे कोई इशू नहीं, उसके ऊपर दाग भी लगे हुए हैं तो उसे कोई मसला नहीं। लेकिन ये भी उतना ही पॉजिटिव है लाइक अपनी जंग करने के लिए और पैशनेट है जिस तरह उसका फादर था। लेकिन इसके अंदर ओल्ड एंड न्यू जनरेशन है शिवलरी की, और न्यू कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर पुराने वाले जो नाइट्स थे वो फुली डेडिकेट थे रिलीजन के नाम पे, लेकिन जो यंग स्क्वायर है इसको अपनी लाइक लेडी को भी इम्प्रेस करना है। देन करेक्टर ऑफ यमेन, ही द नाइट हैड अ योमैन नो मोर सर्वेंट्स। अब पुराने ज़माने के अंदर जब आप ट्रेवल करते थे तो अपने साथ ढेर सारे सर्वेंट्स रखते थे, जितने ज़्यादा सर्वेंट्स होते थे तो लोग उतने ही इम्प्रेस होते थे कि ये इतना रिच आदमी है। लेकिन लाइक नाइट के साथ एक ही सर्वेंट था योमैन, और वो भी उसको उसने नो मोर सर्वेंट्स मतलब उससे ज़्यादा उसने नहीं रखे एट दैट टाइम, फॉर इट प्लीज्ड हिम सो टू ट्रेवल। ही एंड द योमैन वर क्लैड इन कोट ऑफ हुड ऑफ ग्रीन एंड कोट एंड हुड ऑफ ग्रीन। अब योमैन के कपड़े कैसे थे कि उसने ग्रीन कलर का हुड पहना था। शेफ ऑफ पीकॉक एरो ब्राइट एंड कीन, अब उसके पास जितने भी एरोज थे उसके ऊपर पीकॉक के जो एरोज जो तीर थे उनके जो दुम कह सकते हैं उसके ऊपर पीकॉक के पर लगे हुए थे और वो ब्राइट कलर के थे। He carried under his belt very properly. तो ये बहुत expert योमैन है, तो इसने उनको जो तीरों को रखा हुआ है वो बहुत properly रखा हुआ है। He well know how to care for his equipment as a योमैन should. जैसे कि योमैन का काम है इन चीज़ों का ख्याल रखना, तो उस लिहाज से उसने बहुत अच्छा इनका ख्याल रखा हुआ है। His arrows did not fall short because of dripping feathers, और उसके arrows कम नहीं होते। And in his hand he carried a mighty bow, और हाथ के अंदर एक बहुत बड़ी कमान उसने पकड़ी हुई है। He had a close cropped head with a brown face. He well knew all the practices of woodcraft. इन सब चीज़ों के अलावा उसका brown color का cross cropped head है, और इन सब चीज़ों के अलावा उसको woodwork की woodcraft की लकड़ी काटने भी आती हैं। He wore an elegant acre vised guard upon his arm. जैसे लाइक तीर से बचने के लिए या तलवार के वार से बचने के लिए जो शील्ड होती है वो उसने पहनी हुई है। एंड बाय हिज साइड अ सॉर्ड एंड अ स्मॉल शील्ड, ऑन दी अदर हैंड एन एलिगेंट डैगर। अब ये सब चीज़ों से हथियार हैं ये यूमैन के पास हैं। वेल ऑर्नामेंटेड एंड द शार्प एज द पॉइंट ऑफ स्पेयर द क्रिस्टोफर मेडल ऑन द ब्राइट सिल्वर ऑन हिज ब्रेस्ट, और क्रिस्टोफर का जो मेडल है वो उसने अपने सीने पे सजाया हुआ है। ही कैरिड एन हॉर्न द शोल्डर स्ट्रैप वॉज ग्रीन ही वॉज फॉस्टर ट्रूली एज आई गेस, और ये भी बिल्कुल अपने लाइक काम के अंदर ईमानदार है और केयर करने के लिए अपने मालिक के लिए रेडी है और ईमानदारी से और अपने काम के अंदर भी एक्सपर्ट है। ओके क्लास, थैंक यू।